रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र में सास बहू के बीच का झगड़ा आखिरकार खून खराबे तक जा पहुंचा। बहू ने चुपचाप क्षेत्र के मस्जिद के इमाम के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी और उसे हादसा दिखाने के लिए सास को छत से नीचे फेंक दिया। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला अपराध का गढ़ बन गया है। ताजा मामले में पहले रिश्तों के साथ बेवफाई की और बाद में उसे खूनी अंजाम तक पहुंचा दिया। मामला रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के मजरा गांव का है, जहां एक बहू ही अपनी सास की कातिल बन गई और सास की हत्या के बाद हत्या को हादसे का रूप दे दिया। मृतिका शेर बानो के बेटे जुबैर ने अपने मां के दफन के बाद अपनी पत्नी सहाना बी से जब पूछताछ की तो सहाना अपना जुर्म कबूल कर बैठी और उसने बताया कि उसकी सास शेर बानो ने उसे और इमाम मोहम्मद अली को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर शेर बानो के सर पर कपड़ा डालकर सर को ईंटे से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और फिर दोनों ने मिलकर उसके शव को ले जाकर दूसरी जगह में फेंक दिया। आरोपी महिला के पति ने आरोप लगाया है कि दोनों ने मिलकर उसकी मां की हत्या कर दी और उसे हादसा दिखाने के लिए छत से फेंक दिया। जुबैर की तहरीर के आधार पर क्षेत्र की पुलिस ने दोनों अपराधियों को हिरासत में ले लिया है। क्षेत्र में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। का मजरा, इसमें एक वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है 2 दिवस पहले। इसमें जिन्होंने सूचना दी है वो मृतका के बेटे हैं और अभी उन्होंने कोई तहरीर पुख्ता रूप से अभी दी नहीं है, परंतु पुलिस ने मौके पर आकर सारे साक्ष्य एकत्रित करना शुरू कर दिए हैं और इसमें जैसे ही इसमें हमें तहरीर मिलती है हम इसमें आगे विधिक कार्रवाई करेंगे। अवैध संबंधों को छुपाने के लिए सास की हत्या का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। एनीवन न्यूज़ के लिए रामपुर से बाबर खान की रिपोर्ट।